जी हाँ, इस वक्त की बहुत ही बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है सीधे हमारे मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और दोस्तों, इस हमारे बड़े ऐलान और बड़ी खबर में हमारे भारत की सरकार ने सभी आपकी रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए बहुत ही यहाँ पर बड़ी राहत दी है। और दोस्तों, ये जो आपका नया नियम लागू हुआ है वो हमारे कल 1 सितंबर 2020 से सभी LPG सिलेंडर वालों के लिए लागू कर दिया गया है। तो अगर आपके घर में भी कोई सा भी घरेलू सिलेंडर है, चाहे OHP का हो, इंडियन का हो या भारत गैस कोई सा भी सिलेंडर है, तो फिर इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ आपको एक एक करके सभी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिरकार हमारे सितंबर महीने में कितना सस्ता हुआ है आपका गैस सिलेंडर। तो चलिए सभी जानकारी को विस्तार से देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नानी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलता हूं आपको आज की बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख होंगे, 1 सितंबर 2020 रसोई गैस सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे कम दाम, जानिए आज का नया रेट। जी हाँ दोस्तों, आज आपका 2 सितंबर 2020 और दोस्तों कल से हमारे मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके रसोई गैस सिलेंडर के दाम काफी यहाँ पर कम कर दिए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी सिलेंडर के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो आपका अपडेट निकल कर आ रहा है, इस महीने उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने नहीं होंगे। और दोस्तों, हमारे गैर सब्सिडी वाले रसोई सिलेंडर 14.2 किलोग्राम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। यानी दोस्तों, हमारा जो 14.2 किलो वाला आपका रसोई गैस सिलेंडर है उसमें यहाँ पर कमी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शहर है जहाँ पर इसमें भी कमी देखी गई है। और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IUS ने LPG सिलेंडर के दाम में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया है। और दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम में 594 रुपए स्थिर हुआ है, जबकि अन्य शहरों में घरेलू सिलेंडर के दाम काफी यहाँ पर बदलाव हुआ है। और वही हमारे IUS की वेबसाइट के मुताबिक देखें तो हमारे 19 किलोग्राम वाले आपके सिलेंडर के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। और दोस्तों, ये जो आपका नया रेट है वो हमारे 1 सितंबर 2020 से लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ और भी यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 594 रुपए स्थिर है। और मुंबई की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपके रसोई सिलेंडर के दाम 594 रुपए है, जबकि आपके चेन्नई राज्य में इसकी कीमत 50 रुपए घट करके बहुत यहाँ पर कम पैसे हो गई है। यानी कि फ्रेंड्स, हमारे 2-3 राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर आपके घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन दोस्तों आपके कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर हमारे रसोई गैस सिलेंडर के दाम में काफी यहां पर इजाफा देखा गया है। और जैसे कि आपके चेन्नई, बेंगलोर, जम्मू कश्मीर में आपकी रसोई गैस सिलेंडर के दाम काफी यहां पर कम हुए हैं। और वहीं दोस्तों बात करें आपके मुंबई, कोलकाता और यहां पर हैदराबाद में, तो इन सभी राज्यों में आपके घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई यहां पर इजाफा नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं आपका बिना ज्यादा समय लिए आपको एक शॉर्ट तरीके से और सिंपल तरीके से बता देता हूं कि आपके किन किन राज्य में कितना कितना आपके सिलेंडर के दाम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका मेट्रो दिया हुआ है और यहाँ पर आपका प्राइस दिया हुआ है, यानी कि किस राज्य में आपका कितना घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हुए हैं, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें आपके दिल्ली राज्य में, हमारे गैस सिलेंडर के दाम 594 रुपए हो गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली राज्य से आते हैं और आज से जैसे ही अपने गैस सिलेंडर को रिफिल करवाने जाएंगे तो आपको 594 रुपए आपको गैस एजेंसी पर देना होगा। और इसी के साथ हमारे कोलकाता राज्य में आपके सिलेंडर के दाम में काफी यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि लगभग 620 रुपए आपको सितंबर महीने में आपको घरेलू गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे देने होंगे। और इसी के साथ ही बात करें आपके मुंबई राज्य में, तो मुंबई राज्य में भी आपको 594 रुपए पेमेंट करने होंगे। यानी कि अगर आप मुंबई राज्य से आते हैं, अगर आप अपने रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल करवाएंगे तो आपको अपने गैस एजेंसी पर 594 रुपए देने होंगे। और इसी के साथ बात करते हैं हमारे चेन्नई राज्य की, तो हमारे चेन्नई राज्य में भी आपके रसोई गैस सिलेंडर के दाम में काफी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लगभग दोस्तों हमारे इस साल आपके चेन्नई राज्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, और हमारे इस बढ़ोतरी के साथ आपके चेन्नई राज्य में अब से आपके घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 610 रुपए हो गए हैं। तो ये हमारे थे सितंबर महीने के कुछ यहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम, जो कि आज हमारे भारत की सरकार ने पूरे भारत में ऐलान जारी कर दिया है। और दोस्तों, इन सभी राज्यों के साथ साथ आपके कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर आपके घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी यहाँ पर इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन जो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण राज्य था मैंने उसके बारे में सारी जानकारी दे दिया हूं। और ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की भी कोई यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर की खबर आएगी तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर छोटा सा गैस सिलेंडर के बारे में जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए और ताजा ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और अपडेट्स में। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।